पहलवानों के आरोप को लेकर सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रिजभूषण चरण सिंह को राहत के आसार हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस को अब तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जो गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त हों। हालांकि दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है, कई दस्तावेज की जांच अभी बाकी है। राहत के आसार के बीच ब्रिजभूषण चरण सिंह भरपूर गरजे और कहा कि अगर खिलाड़ियों के पास सबूत हैं तो पुलिस को दें। गंगा में मेडल बहाने को इमोशनल ड्रामा ब्रिजभूषण चरण सिंह ने बताया है। सुनिए। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए प्रवचन न जाए। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रिजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वाला गंगा में मेडल बहाने से ब्रिजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। और खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। और खबरें ये भी आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध जो केस महिला खिलाड़ियों ने दर्ज करवाया है उस पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दे।